वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म कल खिताब करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दाखला शेख रशीद कहते हैं रियासत के रेट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा, कोशिश है मामलात खुश असलूबी से तय हों। पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया, हो सकता है आज दोबारा मुज़ाकरात हों। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि रात को फिर नूरुल कादरी साहब और मैं, मेरी मुज़ाकरात उनसे हों, नहीं हों तो नहीं हों, लेकिन ख्याल यही है कि ये होंगे। और बाकी वो मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को पुलिस के सारे इख्तियार दे देंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने हलफ ले लिया। 39 अरकीन असेंबली ने अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो को वोट दिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ऐवान से गैर हाजिर रहे। अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो कहते हैं जब तक विफाक साथ नहीं देगा सूबा तरक्की नहीं करेगा, अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका तआवुन चाहिए होगा। हुकूमत की बिजली गिराने की तैयारी, नेप्रा को बुनियादी टैरिफ में 1.39 रुपए पी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी जद में आएंगे, 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले मुतासर होंगे। दरख्वास्त पर समाप्त 2 नवंबर को होगी। नस्ला टावर के बाद आई तिजोरी की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर कायम तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाजत। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा अदायगी का हुक्म। कमिश्नर कराची को इन्हदाम की निगरानी और 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। नापा को हिंदू जिमखाना से मुंतकिल करने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने जिमखाना की हदूद में कायम मार्के और आर्जी दफातर फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कमिश्नर कराची को नापा के लिए नई जगह के तायुन का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से कराची रजिस्ट्री में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आला सिंध की ख्वाहिश पर हुई। मुराद अली शाह चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग देना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने चेंबर में ब्रीफिंग की दरख्वास्त मंजूर की। पंजाब में डेंगू बेकाबू, मजीद 4 अफराद का डेंगू से इंतकाल, 3 का ताल्लुक लाहौर और 1 का गुजरांवाला से था। लाहौर में 401 नए केसेस रिपोर्ट। पख्तूनख्वा में डेंगू से 1 शख्स जान से गया। सूबे में अमवात की तादाद 8 हो गई। 469 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 62 और इस्लामाबाद में 58 मरीजों में तस्दीक। सिंध में 64 मुतासर, 44 का ताल्लुक कराची से है। फैसलाबाद मोटरवे पर कार और ट्रेलर में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जा बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। खरमंग में गाड़ी दरिया में जा गिरी, 6 साल के बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए, 4 अफराद मौजाना तौर पर मुकम्मल महफूज रहे। लाहौर के रहमदिल ट्रैफिक वार्डन बुजुर्ग शहरी को गोद में उठाकर सड़क पार करवाई। रोड क्रॉस करने वालों का ख्याल करें, गाड़ी हल्के चलाए। वार्डन मुबीन अहमद की शहरियों से अपील। मेरी अपनी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी पब्लिक के बंदे को, बच्चे को, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो, और बहुत अजर सवाब है दीन इस्लाम में इस बात का, तो मेहरबानी करके उसकी मदद ज़रूर किया करें, इग्नोर करके चले ना जाया करें। भारत को आउटक्लास किया, कीवीज का शिकार किया, अब शाहिरों का दुबई में सामना होगा अफगानिस्तान से। अफगान स्पिनर अटैक से कैसे निपटना है, साबिक स्टार स्पिनर और टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने बाबर आजम को खुद बॉलिंग करवाई। आलमी कप में पाकिस्तान की लाजवाब कारकर्दगी के साथ टीम कल्चर भी जेरे बहस। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन भी मुतासर, कहा पाकिस्तानी टीम का कल्चर रूहानियत का शानदार एहसास है। ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। टी20 वर्ल्ड कप के शानदार मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 143 रन का हदफ दे दिया। दोनों टीम्स को पहली फतह की तलाश, आज जो टीम हारी उसकी इवेंट से छुट्टी हो जाएगी।
चले आप कैच पकड़कर दिखाएं। कप्तान के कहने पर सरफराज ने प्रैक्टिस शुरू की। कैच ड्रॉप पर बाबर आजम ने हंसते हंसते कहा, ऐसे कौन कैच पकड़ता है। लाहौर का पोशीदा विरसा महाराजा रणजीत सिंह के सौतेले बेटे शेर सिंह की कब्र बारादरी की शानदार राहदारियां, इतराफ में खूबसूरत पार्क, लेकिन कचरे और तजावजात ने हुस्न गहना दिया। गिलगित के मगरबी पहाड़ों में चट्टान पर बना 2000 साल कदीम बुद्धा, जिसे मकामी यशेनी के नाम से पुकारते हैं, मुजस्मे के सीने पर मौजूद हाथ अमन का पैगाम, शफाफ पानी का चश्मा, जिंदगी का एहसास।